और वहीं रुद्रपुर में पिछले कुछ दिनों से एक फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोतवाली पुलिस ने वीडियो की जांच करते हुए एक युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर फायरिंग करते हुए वीडियो खूब वायरल हो रही थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई थी और जाँच में वीडियो रुद्रपुर के बगवाड़ा क्षेत्र का पाया गया और फायरिंग करने वाले युवक की शिनाख्त गोविंद के रूप में की गई, जिसके बाद गोविंद की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया और गोविंद को पुलिस टीम ने करतारपुर रोड से गिरफ्तार कर लिया है। कल दिन में एक युवक को एक तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। काफी दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसकी जांच के दौरान जब संदिग्धता में उसे पकड़ा तो उससे एक तमंचा बरामद हुआ है, जिसमें अभियोग पंजीकृत करके उसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, जो वीडियो वायरल हुआ था कहाँ का पाया गया वीडियो? बगवाड़ा का पाया गया। तो इसमें गिरफ्तार जो किया गया वो कहाँ का है? और भी पकवाड़ा का है।